देश व प्रदेश में कोरोना एक बार फिर अपने पैर पसार रहा है, जिसके चलते प्रदेश में हर दिन आंकड़ा हजारों की संख्या पार करने लगा है। पानीपत में भी स्थिति चिंतनीय बनती जा रही है। पिछले एक सप्ताह से हर दिन आंकड़ा 200 पार पहुंच रहा है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग की भी चिंता बढ़ती जा रही है। इसी बीच पानीपत के सामान्य अस्पताल में स्थिति कोविड सेंटर में लगातार गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पानीपत में कोरोना केसों का आंकड़ा बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग भी जिम्मेवार है, क्योंकि पानीपत प्रशासन 68 अनट्रेस केसों को एक साल बाद भी तलाश नहीं कर पाया, जो पिछले एक साल से भीड़ में घूम रहे हैं। जिसके चलते आज आलम यह है कि पानीपत में अब तक 174 लोग कोरोना के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। बता दें कि कोरोना महामारी अपने दूसरे चरण में पहले से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। लगातार बढ़ते संक्रमण को लेकर प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें, लेकिन कोरोना का जहां पर सबसे ज्यादा खतरा है, वहीं पर इन गाइडलाइनों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। बड़ी बात तो यह है कि ये सब कोरोना जांच के नाम पर हो रहा है। पानीपत सामान्य अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपको बता दें कि जिस कोरोना जांच सेंटर की ये तस्वीरें हैं, वहीं पर आज कई लोगों की जांच रिपोर्ट आई है, जिसमें ये 219 लोग मिले हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कोरोना जांच कराने पहुंच रहे लोगों के लिए जांच सेंटर ही कोरोना संक्रमित होने का बड़ा कारण बन रहा है, लेकिन स्थानीय स्वास्थ्य विभाग एहतियात नहीं बरत रहा। बता दें कि अभी तक पानीपत में कुल पॉजिटिव 13,638 केसों में से 1426 एक्टिव हैं और अब तक 11,970 रिकवर हो चुके हैं। 68 केस अनट्रेसेबल हैं और अभी तक 174 मौतें हो चुकी हैं। वहीं इस मामले में पानीपत के नव नियुक्त सीएमओ डॉक्टर संजीव ग्रोवर ने बताया कि उन्होंने अभी ज्वाइन किया है और उन्होंने भी कोविड जांच सेंटर के लिए बाहर भारी भीड़ देखी है, जिसके लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश किए हैं। सामान्य अस्पताल में आप भी कोविड लाइन में हैं, यहाँ के भीड़ हालात आपने देखे हैं। प्रशासन जिस प्रकार की गाइडलाइन के दावे कर रहे हैं, क्या आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पालना हो रही है? प्रशासन फॉर्मेट बना रहा है, पर नीचे के जो सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। उनको चाहिए था कि फॉर्मेट के हिसाब से चले, और जो एक एक पर्ची ले लेके वो डायरेक्ट अंदर घुस रहे हैं और खुद स्लिप फिल कर रहे हैं। मैंने खुद देखा है कि मे बी अगर पेशेंट को लेके आप अंदर जा रहे हो, पेशेंट अगर अंदर पहुंच गया तो अंदर अगर कोई एक दूसरे से इन्फेक्ट हो गया तो वो तो सारे के सारे यहाँ पे जितने डॉक्टर हैं वो सारे इन्फेक्टेड हो जाएंगे। 100 से ज़्यादा आदमी इस समय लाइन में लगे हुए हैं। सरकार कहती है कि गाइडलाइन बनाइए कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, या कोई सुरक्षाकर्मी या कोई नहीं रोकने वाला? सुरक्षाकर्मी तो दूर की बात, 100 में से अगर 1-2% कहता है कि थोड़ा डिस्टेंस बनाओ तो वो खुद आपस में नहीं एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट के एम्प्लॉय तो खाक करेंगे, मानते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ नियमों की तो पूरी धज्जियाँ उड़ रही हैं, ऐसे तैसे फेर रहे हैं नियमों की। क्या शुभनाम है आपका? सर, कोविड महामारी लगातार फैलती जा रही है और उसको के लिए सरकार भी सख्ती कर रही है, और जिस तरह से सिविल अपना हॉस्पिटल का जो प्रशासन है, आप लोग हो, किस तरह की एहतियात बरत रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि सैंपलिंग भी यहीं होती है और मरीज भी यहीं आते हैं। ये तो खैर सिविल अस्पताल में तो देखो मरीज भी आएगा, सैंपलिंग भी होगी, वो तो एरिया डिफाइंड है ना, अलग अलग एरिया में सारे काम होते हैं। वैक्सीनेशन अलग एरिया में होती है, सैंपलिंग अलग एरिया में होती है, फ्लू केसेस को अलग से देखा जाता है, आईसीयू वार्ड अलग होते हैं और नॉर्मल पेशेंट्स अलग जगह होते हैं। तो वो तो सारे प्रिकॉशन जैसे जो गाइडलाइन हैं वो तो सारी हमारे यहाँ फॉलो की जाती है, प्लस टाइम टू टाइम सैनिटाइजेशन ऑफ हमारे वर्क प्लेस की जाती है, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाना करना, मास्क यूज करना, रिपीटेडली यूज़ ऑफ हैंड वॉशिंग और सैनिटाइजेशन, सैनिटाइजर का यूज़ करना, ये सब चीज़ें हैं जो की जाती हैं, फॉलो की जाती हैं हॉस्पिटल के अंदर। जनरल पब्लिक से भी अपेक्षा की जाती है कि ये सब जो पर्सनल प्रोटेक्शन के जो मेथड्स हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, गैर जरूरी काम के लिए घर से बाहर ना निकलें, घरों में रहने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, अपने घरों में ही रहें, और जब भी बाहर निकले मास्क पहन के जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, भीड़ भाड़ को लेकर उन इलाकों में मत जाएं। आपने अभी पदभार संभाला है यहाँ पे आकर के, लेकिन देखने में आया है यहाँ पर जो ओपीडी के बाहर हैं, जो सैंपलिंग जहाँ होती है वहाँ काफ़ी रश रहता है, भीड़ होती है, मतलब उसका पालन किया है, तो आज मैंने पहले दिन यही ऑब्जर्व किया है और मैंने उसी के लिए
मैंने ये इंस्ट्रक्शन जारी की हैं कि इस सबको कंट्रोल किया जाए, कहीं भी भीड़ ना होने दी जाए, सैम्पलिंग वाले एरिया में खासकर उनमें डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। जो मैं अभी सिविल अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके उसको इंश्योर कराऊँगा, क्योंकि मुझे भी ये कमी जैसी नज़र आई है, जो जो एरिया मुझे लगे हैं, तो मैंने अभी उसके बारे में अभी के अभी डिसीजन लिया है और अब उनसे बैठ के इसी को इंश्योर करेंगे ताकि ये ना हो, पब्लिक को भी दिक्कत ना आए और डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, टाइम भी ज़्यादा ना लगे। और हमारी स्ट्रेटजी पूरे ज़िले में ये रहेगी, एक तो वैक्सीन को बढ़ाएंगे हम बहुत ज़्यादा हर तरह से कोशिश करके, जिसके लिए मैं अदर डिपार्टमेंट्स, रिलीजियस लीडर्स और लोकल जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उन सबकी हेल्प लूँगा, जिनका मतलब पब्लिक में से होता है, पब्लिक जिनकी बात मानती है, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे संदेश को जनता तक पहुँचाएँ, ताकि जनता उनकी बात मानते हुए सारे इसका प्रिकॉशंस लें, बीमार होने की स्थिति में सैम्पलिंग के लिए तुरंत आए, और जो लोग ठीक हैं और एलिजिबल हैं वैक्सीनेशन के लिए वो जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करें। आपके माध्यम से मैं जनता को ये संदेश देना चाहूँगा कि जो वैक्सीन है वो बिल्कुल सेफ है, वैक्सीन लगाने के बाद हम सीरियस बीमारी से बच सकते हैं। तो हम किसी प्रकार की ऐसी भ्रांति मन में जाके बैठे कि वैक्सीन से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा ना करें। कुछ लोगों में ये भी होता है कि नवरात्रे हैं तो नवरात्रों में दवाई नहीं देते, इंजेक्शन लगाते, तो ये भ्रांतियाँ भी दूर करें। जल्दी से जल्दी जो एलिजिबल लोग हैं वैक्सीनेशन अपने नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर पे वैक्सीनेशन करवाएं, और जहाँ भी आवश्यकता होगी हम ज़्यादा से ज़्यादा कैंप और वैक्सीनेशन कैंप लगाएंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे और जल्दी से जल्दी लोगों की वैक्सीनेशन बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सैम्पलिंग का पर्पज़ है कि जल्दी सैम्पलिंग करें, जल्दी ट्रेस आउट करें भेड़ को, डायग्नोज करें और उसको हम उसको आइसोलेट करें ताकि वो स्प्रेड ना कर सके। ब्रेकिंग न्यूज, राजबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।